नाली से सबसे ज्यादा रिश्ता पूरे उत्तर प्रदेश में अगर किसी का रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा है, क्योंकि मेयर सबसे ज्यादा बड़े शहरों में महानगरों में कब्जा इन्हीं का रहा है। न कूड़ा पिछले 10 साल या किस जगह से 15 साल से नहीं हटा, नालियां साफ नहीं हुई, लेकिन ध्यान हटाने के लिए कभी कभी नया झाड़ू आ जाता है, हाथ में ग्लव्स और मुंह में मास्क आ जाता है, वो लगता है इससे गंदगी हट जाएगी। तो कभी झाड़ू लगाना और कभी जेब से वही ओपीएम की पुड़िया निकाल लेना। इसके अलावा मैं नहीं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कोई दिशा है। निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया है कि 14,000 करोड़ रुपया जो राम मंदिर बनने के लिए चंदा आया था उसका कहीं पता नहीं है विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठनों। उस अखाड़े से मेरा कोई परिचय नहीं है, और अखाड़े से जिन लोगों का भी परिचय वो बेहतर बता सकते हैं, लेकिन देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी बहस छिड़ी हुई है। समाजवादी पार्टी का अपना स्थान है, समाजवादी पार्टी की अपनी जिम्मेदारी है। आप ओपीएम की बात अक्सर करते हैं, उस ओपीएम के नशे में पब्लिक न फंसे इसके लिए आप और आपकी पार्टी क्या करेगी या क्या कर रही है? लगातार जनता के बीच में जाके हम यही कह रहे हैं, काम होगा तो लोगों के बीच में खुशहाली आएगी। और बात मैंने पहले भी कही, रंग बदलने से खुशहाली और संपन्नता नहीं आएगी। लोग अगर संपन्न होंगे, लोग अगर खुशहाल होंगे, किसानों को अगर उनकी कीमत मिलेगी तो शायद उनके चेहरों का रंग बदल जाएगा। ये वही सरकार तो है जिसने बनते ही ये कहा था कि हम आलू के किसानों की पूरी मदद करेंगे, और सरकार से हम 400 करोड़ और 500 करोड़ भी अगर देने पड़ेंगे तो हम किसानों की मदद करने का काम करेंगे। आज कोल्ड स्टोरेजों में पूरा भरा पड़ा है आलू, आलू के किसानों को कोई पूछने वाला नहीं है। गन्ने के भुगतान के लिए कहा कि हम 2 हफ्ते के अंदर कर देंगे, अभी भी चीनी मिलों का बकाया, अभी भी किसानों का पूरी तरीके से चीनी मिल का भुगतान अभी नहीं करा पाई है, तो क्या उम्मीद करें इनसे। इसीलिए मैंने कहा कि हमने 23 महीने में एक्सप्रेस वे बना के तैयार कर दिया था। ये सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार बना सकती है, केंद्र सरकार से भी इन्हें पैसा मिल जाएगा, नीति आयोग भी इनका सहयोग कर रहा है, और अब तो बिल गेट्स भी आ गए, वो भी सहयोग इनका करेंगे, तो शायद एक्सप्रेस वे बन जाए पूर्वांचल वाला। जो लोग अपने घर का नहीं बना पाए एक्सप्रेस वे, तो समझ लो उनसे कोई काम की उम्मीद नहीं कर सकता। वो तो कह रहे थे कि हम बनारस को जोड़ देंगे, हमने कहा गोरखपुर को भी जोड़ दो, आप अयोध्या को जोड़ना चाहते थे, लेकिन कम से कम शुरुआत तो करो उसकी। इसीलिए मैं जनता से हर जगह ही अपील की है कि काम अगर होगा, सड़क बिजली पानी का इंतजाम बेहतर होगा, तो हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, लोगों के बीच में खुशहाली आएगी, इस पुड़िया से खुशहाली नहीं आने वाली। अजय जी एक सवाल ये है, अजय जी मायावती जी ने कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी छोड़कर बाकी और लोगों से समझौते की, तो क्या कुछ आपकी तरफ भी कुछ है मामला? ये बातें तो कही गई और हम भी स्वीकार करते हैं, गठबंधन हो कोई रास्ता निकले, ये तो सभी प्रयास कर रहे हैं, ये तो अच्छी खबर है। नहीं, भाजपा को रोकने के लिए क्या आप भी कोई ऐसी पहल करेंगे कि उनसे कोई बातचीत की तरफ? हम तो लड़ी रहे हैं भाजपा से, बसपा के साथ कोई ऐसी बातचीत? कांग्रेस के साथ आपकी दोस्ती है, आप बार बार ये बात कह रहे हैं कि हमारी कांग्रेस के साथ दोस्ती है, दोस्ती आगे भी चलेगी, तो क्या उसी दिशा में कोई बहुजन समाज पार्टी के साथ भी कोई ऐसा रिश्ता बनाएंगे? हमारा रिश्ता किसी से खराब नहीं है और हम रिश्ता ठीक करने में बहुत आगे रहते हैं। कोई अगर रिश्ता बनाना चाहे तब तो, अगर रिश्ता बनाने की कोई बात होगी तो आप देखेंगे समाजवादी लोग सबसे पहले अच्छा रिश्ता बना लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि युवजन सभा, छात सभा, लोहिया वाहिनी, यूथ ब्रिगेड ये कहती है कि अखिलेश यादव जी से अच्छा कोई भी मुख्यमंत्री अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। राम मंदिर पे एक बार फिर से बातचीत के लिए आए हैं,
देखिए मैंने आपसे कहा बीजेपी के लोग अपनी जेब में ओपीएम की पुड़िया रखते हैं। सर आप नशा मुक्ति केंद्र क्यों नहीं खोल रहे? हम लोगों को समझा ही सकते हैं और लगातार हम लोगों को समझा रहे हैं कि अगर एक्सप्रेसवे बनेगा तो प्रदेश और जनता को लाभ पहुंचेगा, मंडी बनेगी तो किसानों को सही दाम मिलेगा, अगर अमूल, मदर डेयरी या पराग जैसी व्यवस्था अच्छी होगी तो दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा किसान को और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी अच्छी होगी, लैपटॉप अगर बटेंगे। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब